नमस्कार, स्वागत है आप सभी का R9 भारत टीवी में। आज हम बात करेंगे अपने देश के मध्य प्रदेश राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के बाद नामांकन प्रक्रिया हुई और प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह बटे। चुनाव चिन्ह बटने के बाद जिस तरीके से प्रत्याशी ताबड़तोड़ रूप में अपने क्षेत्र में जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, सभी प्रत्याशी अलग अलग योजनाओं के साथ और अपने मैनिफेस्टो को बताते हुए लोगों को और गांव की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, या तो समय बताएगा कि आखिर किसकी होगी जांच की सरकार। R9 भारत लगातार सभी प्रत्याशियों के ऊपर और उनके कवरेज और जनसंपर्क अभियान के बारे में आप सभी तक जानकारी पहुंचा रहा है। यह सिलसिला चलता रहेगा और प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान हो और जनता की उस पर क्या राय है इसके बारे में सटीक विश्लेषण आपको R9 भारत देगा। चलिए शुरू करते हैं यह सिलसिला। बालाघाट जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 के लिए चुनाव होना तय है। क्षेत्र क्रमांक 19 में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विनीता विनोद सोनी एवं भाजपा से झाम सिंह नागेश्वर में मुकाबला देखा जा रहा है। क्षेत्र क्रमांक 19 की जनता से हमारी टीम ने चर्चा करी और लोगों ने परिवर्तन एवं विकास के नाम पर वोट देने की बात कही है। खैर, यह तो समय बताएगा कि आखिर मोहर कहां लगेगी। विनीता विनोद सोनी को अपार जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विनीता विनोद सोनी के पक्ष में प्रचार करने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष लांजी की विधायक हिना कावरे व नगरी निकाय चुनाव के कांग्रेस जिला समन्वयक अनुराग चतुर्मोहता ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उनकी खामियों को बताया और भारी बहुमत से विनीता विनोद सोनी के नाम के आगे मुहर लगाने की बात कही। बालाघाट में तीसरे चरण के लिए मतदान 8 जुलाई को होना तय है, यह हम आपको बता दें। वर्तमान में 19 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इसमें 11 में कांग्रेस, 4 में भाजपा और बाकी सीटों में निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुए हैं। रुझान आने के बाद कांग्रेस में उत्साह की लहर है। वहीं बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को विजयश्री दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तब की नजरें अब बालाघाट के लाल बर्रा क्षेत्र की 3 सीटों पर बनी हुई है। भाजपा कांग्रेस अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मैदान में उतार कर जोर आजमाइश कर रहे हैं। बालाघाट विधानसभा के विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भाजपा से एवं कांग्रेस से हिना कावरे एवं अनुराग चतुर्मोहता ने कमान संभाली है। जिला पंचायत क्षेत्र में चुनावी घमासान मचा हुआ है। R9 भारत पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहा है। भाजपा समर्थित प्रत्याशी झाम सिंह नागेश्वर के मुकाबले विनीता विनोद सोनी को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भास्कर भारद्वाज बालाघाट से जुड़ चुके हैं पूरी रिपोर्ट के लिए। आपको बता दूं कि लगभग 17 साल से मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार मुख्यमंत्री है। उसके पहले जब मध्य प्रदेश में आदरणीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो इन्होंने एक नारा दिया था, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना ओबीसी का मुख्यमंत्री जरूरी है। ओबीसी के मुख्यमंत्री के नाम पर इन्हें लोधी समाज की महाभारती को आगे बढ़ाए और जैसी ओबीसी समाज हमारा लोधी समाज है मुख्यमंत्री बनाए, उनको 6 महीने के अंदर में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से सरकार शिवराज सिंह चौहान को निकालने का काम किया। आपको बता दूं कि एक समय आज से पिछले पंचवर्षीय की बात करें, अगर हमारे मध्य प्रदेश में 5,000 जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, आज 2,500 हो गए। इसके कारण यही गौरी शंकर विशेष आपको बताना चाहूंगा कि अब दाखिले का समय है। आपका एक एक वोट, खास तौर से पिता तुल्य साथियों से निवेदन करता हूं कि आपका एक एक वोट आपके बच्चों और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए चलना चाहिए। आज आपके निवेदन करता हूं कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 से विनीता सोनी जी के उक्त चुनाव चिन्ह जायसाजन के विलेज बोर्ड और देवलाल ठकरेले जी के चश्मा चुनाव चिन्ह पर लगाकर इनको भारी बहुमतों से विजय बनाए, क्योंकि
ये तो निश्चित है कि जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बन रही है, चारों तरफ से जिला पंचायत में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और आने वाले एक साल के बाद में ये गौरी शंकर जी को भी राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा। प्रत्याशी के पक्ष में आप यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने आए थे, कितना जनसमर्थन उसको मिला और किन किन मुद्दों को लेके आप प्रत्याशी पहुंचे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जनसमर्थन तो आपके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है और ये बदलाव की बयार है। बीजेपी चारों खाने चित होने जा रही है और हम जिला पंचायत में बालाघाट में सरकार बनाने जा रहे हैं कांग्रेस अधिकृत। किन मुद्दों को लेकर आप किन किन मुद्दों को लेकर आप अभी भाई मुद्दों की महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, इसके बाद आपका प्रधानमंत्री आवास मुद्दा है, इतने सारे मुद्दे हैं। चन्नी लगा के अगर निकालेंगे तो पानी रुकेगा क्या? पूरे मुद्दे ही मुद्दे हैं। भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है, निकम्मी सरकार है। मंत्री गौरीशंकर बिसेन का जनाधार दिनों दिन खसकता जा रहा है और वो अब लगातार पूरे जिले के अंदर में चुनाव हार रहे हैं और ये बता रहा है कि अब समय परिवर्तन की घोषणा और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बजने का बिगुल फूंक रहा है। जिस प्रकार से अभी आप बहुमत मिला है, आप देख रहे हैं कि अभी तक 13 अगस्त 18 अगस्त 11 अभी तक कांग्रेस के हो चुके हैं, उसके बावजूद अब जो बयान आ रहा है पूर्व मंत्री का कि जो अध्यक्ष बनने की सपना देख रहा है, अध्यक्ष बनी वो तो बाद में बताएगा अध्यक्ष बनता है कि नहीं बनता, क्या पलटी भी हो सकती है? देखिए ये डबल मनी सेटिंग फिटिंग वाला काम जो है ना वो बड़े सालों से करते आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि गाय बकरी मुर्गे जैसे इंसानों को वो खरीद लेंगे। तो लाल बर्रा की जनता और बालाघाट की जिले के जो प्रत्याशी हैं और जो जीत के आ रहे हैं उनको ये बात समझ में आ गई है कि सरकार बनने जा रही है, सत्ता का सेमीफाइनल है। अगर हम जिला पंचायत में नगर पालिका में नगर निगम में कब्जा करेंगे तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और इस बार कोई भी तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह जैसा गद्दार और जैतन हमारी कांग्रेस में नहीं है। क्या लगता है जिला पंचायत का तो साफ सुथरा हो रहा है और नगरी निकाय में क्या स्थिति रही? नगरी निकाय में स्थिति बहुत अच्छी है, कांग्रेस की टिकटें बहुत अच्छी बटी है और बीजेपी में भारी विरोध है और भारी विरोध के कारण उनके कम से कम 8 से 10 प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए हैं जो पार्टी के अधिकृत हुआ करते थे, पार्षद हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य हम जीत रहे चुनाव। मैं श्रीमती विनीता सोनी जी जिला पंचायत सदस्य बालाघाट के प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। जी हाँ, इससे पहले भी मैं जिला पंचायत की सदस्य रह चुकी हूँ, उससे पहले भी मैं जनपद की सदस्य रह चुकी हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य रहा है कि जनता की सेवा करना, जनता को उनका हक और अधिकार दिलाना और जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजना है जिला पंचायत के माध्यम से संचालित होती है उन योजनाओं का लाभ गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना। क्षेत्र की जनता से मैं यही निवेदन करती हूं, अपील करती हूं कि आने वाली 8 तारीख को आप निसंकोच बिल्कुल सोच समझ और विवेक के साथ उगता हुआ सूरज निशान पर ही अपना मतदान करें और मुझे जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपें।